हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। लाखों बच्चों के लिए ये खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट टाइम जो है 2019 में आई थी, उसके बाद सीधे 2024 में ऑफिशियल कैलेंडर के थ्रू अनाउंसमेंट कर दी गई है कि बहुत जल्द बम्पर नंबर के सीट पर ये वैकेंसी आ जाएगी। ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिजिकल, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सारा डिटेल्स में बताने वाली हूँ। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बता दिया है रेलवे में ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो बहुत सारे टाइम से ये चल रहा था कि 1 लाख के करीब सीट पर वैकेंसी आएगी, लेकिन जिस अनुसार अभी आपने देखा है कि एएलपी और टेक्नीशियन वगैरह के सीट्स में क्या आया है नंबर ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि 25,000 से आपका 30,000 तक का वैकेंसी आएगा। ज्यादा आएगा तो और अच्छी बात है। अब रही बात कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 500 रुपीज, एससी एसटी और फीमेल ऑल जो भी कैटेगरी के फीमेल्स है सबसे 250 रुपया लिया जाएगा। बार बार बता देती हूँ आपको कि ये पैसा रिफंडेबल होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एग्जाम में बैठेंगे। 500 जो पे करेंगे उनको 400 रुपया वापस आएगा और 250 वाले का फुल्ली पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। वेरियस पोस्ट और सारे पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th जो पास आउट है सब कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो 10वीं में आपका क्या परसेंटेज है उससे कोई मैटर नहीं करता, पास हो आप तो आप इलिजिबल हो। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत सारे जगहों पे ये न्यूज फैला है कि 10th के साथ आईटीआई होना कंपलसरी है, तो अभी तक इस बारे में रेलवे की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया। तो हम यही मान के चलेंगे कि ऑल इंडिया के जो 10th पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी है। आईटीआई से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज आता तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। अब देखते हैं कि एज का क्या यहाँ पर लिमिट है। 18 वर्ष से 33 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार जैसा कि आपको पहले ही बताया 5 साल के बाद आई है रिक्रूटमेंट, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका एज निकल चुका है, तो उनके लिए सरकार ने एक विशेष पहल की है कि एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उनको एज में मिलेगा 3 वर्ष का। तो जैसा आपने देखा है कि 18 से 33 वर्ष एज का लिमिट है, तो 3 साल एडिशनल आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी ये छूट हो गया कि आपका 18 से 36 वर्ष एज हो गया, और ओबीसी को जो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला था उसमें और 3 वर्ष जुड़ेगा, तो उनको 6 साल का, और जो एससी एसटी है उनको 8 साल का छूट मिलेगा। आई होप कि ये जो एज रिलैक्सेशन का मैटर है आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई का डेट क्या है। देखिए, अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अक्टूबर में वीडियो बनाऊं। अभी बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म कर देना है कि अपनी तैयारी को जोर शोर से स्टार्ट करिए, इसमें आपको पता है कि फिजिकल भी होगा, तो सारी तैयारी कर लोगे तभी तो जब एग्जाम होगा उस टाइम आप अपना सीट अचीव कर पाओगे। अदरवाइज जब कोई वैकेंसी आए और उस समय आपको जानकारी मिले तो फिर आप कोई तैयारी ही नहीं कर पाओगे। चलिए अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन आपका 4 स्टेज पे गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर ऑनलाइन सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें वेरियस पोस्ट है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और वैकेंसी आपकी जोन वाइज आएगी।
मान लीजिए 25,000 टोटल सीट है, तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग सीट रहेगा, वो भी कैटेगरी वाइज। तो वो वैकेंसी जिस समय रिलीज होता है आपको देखना होगा कि किस जोन में आपके कैटेगरी का कितना सीट है, और जिस जोन के लिए आप फॉर्म भरोगे उसी जोन में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। अगर आप अपने लोकल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट का जो भी नियर बाई जोन होगा उसमें अप्लाई करोगे तो नियर बाई एग्जाम सेंटर रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब पोस्ट वाइज बात करें तो आपका ट्रैकमैन का पोस्ट है, गैंगमैन है, केबिन मैन, हेल्पर, पियोन, असिस्टेंट पॉइंट मैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट डिपोर्ट, मतलब कि स्टोर में भी वर्क करना पड़ेगा। टोटल 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो आपका एग्जाम होगा क्या आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। हर प्रश्न के लिए एक आपको जब सही उत्तर दोगे तो एक नंबर मिलेगा। टाइम रहेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा 1/3 का। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, साइंस से होंगे 25 प्रश्न, मैथ से 25 प्रश्न, रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। तो आइए देख लेते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी का क्या फिजिकल लिया यहाँ पर टेस्ट होगा। देखिए पहले मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट का आपको 35 केजी का वजन उठा के 100 मीटर आपको जो है दौड़ लगाना होगा। आपको 2 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। तो ये रहा आपका जो सब भारी वजन उठा के दौड़ने का। सेकंड आपका रनिंग होता है, 1 किलोमीटर का 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए जो वजन उठा के दौड़ होता है 20 केजी का वजन उठाना रहेगा, और 100 मीटर इनको भी रहेगा, 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फीमेल्स के लिए भी 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। फिजिकल के बाद मेडिकल, देन डीवी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। तो सैलरी क्या मिलेगा, देखिए सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 25,000 से 35,000, ये शुरुआत की सैलरी होती है। और जिस जोन में हो आप, जिस सिटी में हो, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी इतना के बीच में रहेगा। बाद में आपको अच्छा खासा पर्क्स अलाउंसेस होता है, इंक्रीमेंट होती है, तो उसके अनुसार सैलरी बहुत हाई हो जाती है आपकी। एंड आई होप मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया आज आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं वहां पर क्वेरीज सॉल्व करूंगी। अदरवाइज आप चाहो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम पे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आते रहते हैं जॉब के, वो सब वहां पर मिल जाएंगे, तो जाके वहां पर फॉलो कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।